स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है आज चैप्टर जो हमारा है वो ट्रिग्नामेट्री है एलेवेंथ क्लास में ट्रिग्नोमेट्री हमारा दूसरा चैप्टर है तीसरा चैप्टर और जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में वो है एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री तो आपने टेंथ क्लास में भी पढ़ी है उसका जो बेसिक्स डेफिनीशन एट्सिट्रा बाकी कुछ रेस्यूज वो तो आपने ऑलरेडी टेंथ में पढ़े हैं तो हम फिर स्टार्ट करेंगे थोड़ा हम रिव्यू uh, करेंगे टेंथ का ट्रग्नामेट्री होती क्या एक्चुअली ये हम ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है ट्रग्नामेट्री का वो मैं बता दूं आपको वो पूरा इंडिया ने दिया है uh, ट्रिग्नामेट्री कंप्लीटली जो आर्यभट्टा है ब्रह्म गुप्ता है और भी कुछ मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने ट्रग्नामेट्री का कॉन्सेप्ट दिया है और फिर बाद में ये यूरोप में फैला और बाकी डिफरेंट कंट्रीज में तो ट्रग्नामेट्री क्या होती है ट्रग्नामेट्री है इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विच डील्स विद द मेजरमेंट विद डील विद द मेजरमेंट ऑफ या हम कहेंगे विच डील विद द स्टडी ऑफ डील विद द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स में क्या है ट्राइंगल में है साइड्स साइड्स एंगल्स ये दो चीजें स्टडी करते हैं हम ट्रिनामेट्री में और पर्टिकुलरली हम स्टार्ट करते हैं राइट ट्राइंगल से हम राइट right ट्रैंगल को ही एक्चुअली स्टडी करते हैं और राइट right ट्रैंगल के बाद हम बाकी ट्रैंगल भी स्टडी करते हैं और जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है विद द साइड एंड द एंगल्स वो भी हम स्टडी करते हैं ट्रेग्नोमेट्री में तो इसमें सिक्स रेशूज हम यूज करते हैं ट्रग्नोमेट्री हम, में हम सिक्स रेश्यूज यूज करते हैं मगर बेस जो है ट्रेग्नोमेट्री की वो हम एंगल से स्टार्ट करेंगे एंगल क्या पहले होता है हम एंगल पहले डिफाइन करेंगे क्योंकि वो एंगल्स फिर हम यूज करते हैं ट्रेगनामेटिक रेस्यूज में वो अपने टेंथ में आपने पढ़ा भी होगा ये तो हम लिखेंगे पहले एंगल की डेफिनेशन क्या है एंगल हम डिफाइन करेंगे एंगल होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिवॉल्विंग रे

इधर जो हुआ है ये इनकलेशन जो डिस्क्राइब हुई है इधर इसी को हम बेटा एंगल बोलते हैं तो अगर हम इसके बाद अगर एंगल्स दो तरीके के होते हैं पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है एंगल अगर ये रे अगर ये रे इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज अगर ये रे इस तरीके की जाएगी एंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी यहां तक पहुंचेगी तो यह एंगल जो बना इधर यह पॉजिटिव एंगल कहलाता है पॉजिटिव एंगल एंड क्लॉक एंगल उसको बोलते हैं या पॉजिटिव एंगल भी बोलते हैं एंड इफ द द द डायरेक्शन ऑफ ऑफ रोटेशन रे इज अगर ये नीचे की तरह ये रे ऐसी चलेगी ऐसी इंक्लेनेशन हमारे बनी तो इसको हम बेटा बोलते हैं नेगेटिव एंगल तो नेगेटिव एंगल क्या होता है नेगेटिव एंगल होता है क्लॉकवाइज एंगल एंगल्स इसकी एप्लीकेशन तो एंगल्स की आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन है एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन एप्लीकेशन इसकी है अगर हम चीजों को खोलेंगे बंद करेंगे टेप को आप बंद करते हो टेप को आप खोलते हो नल, नल को घर में जो हमारे बाथरूम में नल होते हैं टेप्स होते हैं आप उनको खोलते हो बंद करते हो ये सब एंगल का काम है पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में खोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में भी आज खोलते हैं यूजुअली पहले पहले जमाने में हम जब भी किसी चीज को खोलते थे हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाते थे तो दैट इज वाई इसको पॉजिटिव एंगल कहा जाता था लेकिन आजकल नहीं आजकल हम नेगेटिव एंगल से भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन से भी चीजों को खोलते हैं तो इट हार्डली मैटर्स नाउ पहले पहले ये जब हम खोलते किसी चीज को थे तो वो वो एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन में होता था तो Uh, इसके बाद uh, हम एंगल uh, तो क्लियर uh, हो गया आपका इसके बाद इन एंगल्स को मेजर करने के लिए यूनिट बन गए मेजर करने के लिए कि कितना एंगल बना कितनी रे रोटेट हो गई कहां से कहां तक पहुंची रे तो इसको हम बोलते हैं मेजरिंग द एंगल मेजरिंग द एंगल या एंगल मेजरमेंट देर आर थ्री सिस्टम्स देर आर थ्री सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग द एंगल्स देर आर थ्री सिस्टम ऑफ मेजरिंग द एंगल्स पहला सिस्टम जो है उसको बोला गया सेक्साजेसिमल सिस्टम सेक्साजेसिमल सिस्टम सेक्साजेसिमल सिस्टम ये पहला सिस्टम था इस सिस्टम को आप कहोगे इंग्लिश सिस्टम भी इंग्लिश सिस्टम इंग्लिश सिस्टम इस सिस्टम में हम एंगल को कैसे मेजर करेंगे इन द सिस्टम द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज इन द सिस्टम इन द सिस्टम, द एंगल इज मेजर्ड द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज हम इस सिस्टम में एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में डिग्री में डिग्री होता क्या है हम अब डिग्री बोलेंगे क्या है एक्चुअली पहले जो एंगल बना पहले जो एंगल बना उस एंगल का नाम दिया गया राइट एंगल उस टाइम ये मेजर हमें पता नहीं था सिस्टम क्या होता है हम किस में मेजर करेंगे पहला जो एंगल था वो राइट एंगल था राइट एंगल होता है सीधा एंगल सीधा रे है ये यह इनिशियल साइड और यह है टर्मिनल साइड ये है इनिशियल साइड ये है ये है, है, है सीधा खड़ा जिसको हम खड़ा कहते हैं खड़ा एंगल ऐसे सीधा एंगल इसको बोलते हैं राइट right एंगल इस राइट right एंगल को क्या किया गया इस राइट right एंगल के 90 पार्ट्स बनाए गए दिस राइट एंगल हैज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। जब इसके 90 इक्वल पार्ट्स किए गए जब इसके 90 इक्वल पार्ट्स किए गए तो एक पार्ट उठाया गया और एक हिस्से को बोला गया वन डिग्री तो हम क्या कहेंगे फिर हम बोलेंगे वन राइट एंगल वन राइट एंगल राइट एंगल क्या होता है सीधा एंगल रे ऐसे थी ये पूरी खड़ा हो गई ऐसे इसको बोलते हैं राइट एंगल तो उस राइट right एंगल को हमने 90 पार्ट्स बनाए 90 पार्ट्स जो हर एक पार्ट है और हर पार्ट को डिग्री कहा गया तो हम कहेंगे फिर जब 90 पार्ट्स जो है एक राइट right एंगल तो एक डिग्री कितनी बन गई इसमें से वो है वन बाई नाइनटीथ पार्टनटी पार्ट ऑफ राइट एंगल तो एक डिग्री को कहा गया ये वन बाई नाइनटीए पार्ट है राइट right एंगल का ये हिस्सा एक इसको हम बो, इसको बोला गया डिग्री इसके बाद बेटा इस डिग्री को क्या किया गया इस डिग्री को और डिवाइड किया गया मगर सिक्सटी पार्ट में इसके बाद इस डिग्री को एक डिग्री को ऑल डिवाइड किया गया सिक्सटी पार्ट्स में हम लिखेंगे इसके बाद वन डिग्री इज फर्दर इज फर्दर डिवाइडेड डिवाइडेड इंटू सिक्सटी इक्वल पार्ट्स सिक्सटी इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज मिनट हर हिस्से को बोला गया मिनट ईच पार्ट इज मिनट हर इसे को बोला गया मिनट तो हम लिखेंगे सो सो वन डिग्री वन डिग्री इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स ऐसे एक डैश लगाते सिक्सटी मिनट्स या हम कहेंगे वन मिनट इज वन बाई सिक्सटी सिक्सटी पार्ट ऑफ डिग्री सिक्सटीथ पार्ट ऑफ डिग्री तो एक मिनट जो है वो है वन बाई सिक्सटी पार्ट ऑफ डिग्री तो ऐसे हम मिनट डिफाइन करेंगे इसके बाद फर्दर रिड्यूस किया गया फर्दर रिड्यूस किया गया इसको सेकेंड तक लाया गया इसके बाद ये मिनट ये मिनट जो है इसको फिर वन मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू सिक्सटी इक्वल पार्ट इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू सिक्सटी इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज नोन सेकेंड तो हम कहेंगे वन मिनट जो है वो है सिक्सटी सेकेंड्स और हम कहेंगे वन सेकेंड जो है इट इज वन बाई सिक्सटी पार्ट ऑफ मिनट वन बाई सिक्सटी पार्ट ऑफ मिनट सॉरी वन सेकेंड जो है इट इज वन बाई सिक्सटी पार्ट ऑफ यस बाई सिक्सटी पार्ट ऑफ मिनट यस एब्सोल्यूटली तो य, ये डिग्री पहले बनी डिग्री के बाद मिनट uh, बना मिनट के बाद सेकंड बना तो गर्ज क्या है इस एंगल को छोटा छोटा कर दिया गया सिस्टम इज एक्समल सिस्टम जिसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है इसके बाद एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी और इंपॉर्टेंट सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं उस सिस्टम में भी एंगल को मेजर किया गया सर्कुलर सिस्टम हम कहेंगे सर्कुलर सिस्टम सर्कुलर सिस्टम सर्कुलर सिस्टम में इसमें इसको हम बोलते हैं रेडियन मेजर भी रेडियन मेजर इसमें जब हम एंगल को मेजर करते हैं उस एंगल का नाम उस जब हम मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं रेडियन मेजर रेडियन में हम मेजर करते हैं जैसे कि सिक्साजेस्टमल सिस्टम में हम करते हैं डिग्री से मेजर तो इसमें हम करते हैं रेडियन से मेजर ये रेडियन होता क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ये जो सर्कुलर सिस्टम में ये रेडियन होता है हम कहेंगे इसमें वन रेडियन क्या होता है वन रेडियन इसमें सी हम ऊपर रखेंगे जैसे इसमें डिग्री में हम जीरो रखते हैं ऊपर यहां पर हम रखते हैं रेडियन में ऊपर सी सी का मतलब है सर्कुलर सिस्टम से ये एंगल बनाया गया है तो वन रेडियन होता है इट इज द एंगल इट इज द एंगल मैं फिर फिगर भी बनाऊंगा इट इज द एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड

वो एंगल है जो बनाया जाता है सेंटर में एक यूनिट सर्कल के मगर आर्क बनाती है उस को और जो आर्क होती है उसका उस आर्क की लेंथ है एक यूनिट एक यूनिट इसीलिए क्योंकि ये तो वन रेडियन है हम एक यूनिट इसीलिए लेते हैं क्योंकि वन यूनिट जो है वो सर्कल का भी रेडियस है तो ये इस टाइप का होगा बेटा देखो मेरा बेटा ये जो सर्कल है तो यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस है वन तो ऑटोमेटिकली यहां तक देखो ये जो ये जो आर्क है ये ये आर्क जो है इसका भी, इसका भी भी है तो ऑटोमेटिकली बन गया वन रेडियन तो रेडियन एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल सबेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय आर्क बाय द आर्क विथ लेंग्थ वन यूनिट तो इन जनरल हम कहेंगे इन जनरल हम कहेंगे जो रेडियन होता है कोई भी रेडियन एंगल जो होता है अगर आप थीटा से उसको डिनोट करोगे यह रेडियन एंगल हमेशा होता है बराबर एल डिवाइडेड बाय आर एल है लेंथ लेंगथा आर्क डिवाइडेड बाय आर है रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल ये एक्चुअली इन जनरल थीटा रेडियंस यहां बोलेंगे रेडियंस थीटा रेडियंस होता है ऑफ आर्क जो ये बनाती है उस की लेंथ तो डिवाइड हम करते हैं उस सर्कल के रेडियस से तो थीटा होता है एल डिवाइडेड बाय ये होता है थीटा रेडियन जिसको बोलते हैं और अगर हम वन रेडियन कहेंगे वन रेडियन है वो एंगल जो हम सब करते हैं सेंटर में मगर वो बनाती है एक आर्क जैसे यहां बनाती है आर्क यहां पर भी आर्क बनाती है मगर उस आर्क की लेंथ है मेरा बेटा वन यूनिट उस और की लेंथ है वन यूनिट दिस इज दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज सर्कुलर सिस्टम इसमें हम ये रेडियन मतलब एंगल रेडियन एंगल से हम आ, एंगल को रेडियन से हम एंगल को मेजर करते हैं बेटा तो इसके बाद एक और सिस्टम था वो सिस्टम बहुत ही कम चला उसको बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम सेंटेसिमल सिस्टम सेंटेसिमल सिस्टम सेंटेसिमल

तो इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे कि एक रिलेशन बनाई गई रिलेशन रिलेशन बिटवीन डिग्री डिग्री एंड रेडियन रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन एक रिश्ता बना है डिग्री और रेडियन का आपस में ये वो वो हम कहेंगे कि कैसे हुँ?